क्या आपने दुनिया के सबसे जहरीले स्नेक के बारे में सुना है? इस स्नेक की एक बाइट में इतना जहर होता है कि उससे 2.5 लाख चूहे मर सकते हैं और इंसानों का एक छोटा सा गांव भी खत्म हो सकता है। और गाइस, दुनिया में एक ऐसा जहरीला स्नेक भी है जो अपने जहर को शिकार की आंखों में थूकता है, और इस स्नेक का निशाना इतना सटीक होता है कि वो कभी चूकता ही नहीं है। तो गाइस, दुनिया में कुछ ऐसे जहरीले स्नेक भी हैं जिनकी एक बाइट से बहुत सारे इंसानों की मौत हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे जहरीले स्नेक्स के बारे में बताऊंगा जिन सांपों का जहर दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। 10 मोस्ट पॉइजनस एंड डेंजरस स्नेक्स इन द वर्ल्ड। नंबर 10 पर है ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। गाइज, ये स्नेक दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला स्नेक है, जिसे कॉमन ब्राउन स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। ये स्नेक इतना ज्यादा एक्टिव और एग्रेसिव होता है कि अगर इसके पीछे कोई इंसान इसे पकड़ने के लिए आ रहा हो तो ये स्नेक उस पर अटैक करने से पीछे कभी नहीं हटता है। और ये इतना एक्टिव होता है कि ये स्नेक अटैक करने के बाद तुरंत ही वहां से भाग जाता है। इसके भागने की स्पीड नॉर्मली दूसरे स्नेक्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा तेज होती है। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक के अंदर हाईली न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन पाया जाता है। अगर ये स्नेक किसी भी इंसान को काट लेता है तो वो इंसान कुछ ही मिनट्स में पैरालाइज हो जाता है और उसके हार्ट की गति रुक जाती है, जिस वजह से उसकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। ये स्नेक ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और नॉर्मली इस स्नेक की लंबाई 6.6 फीट होती है। अपने आक्रामक स्वभाव की वजह से ऑस्ट्रेलिया में सांप के काटने से होने वाली सबसे ज्यादा मौतों का जिम्मेदार यही स्नेक है, क्योंकि ये स्नेक ऑस्ट्रेलिया के हरे भरे जंगलों, सूखी घास के मैदानों और गन्नों की खेती के अंदर पाए जाते हैं। ये स्नेक जब भी किसी पर अटैक करता है तो ये स्नेक अपनी पूरी बॉडी के 30-45% बॉडी के ऊपर कुछ एस के आकार में इस तरह से खड़ा हो जाता है, और कई कई बार तो ये स्नेक अपनी 60% बॉडी को हवा में इस तरह से एस बनाकर रख सकता है। नंबर 9 पर है टाइपन। गाइस, ये स्नेक साइज में बड़ा और बहुत ही जहरीला स्नेक है जो कि नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इस टाइपन स्नेक की 3 प्रजातियां हैं जो कि तीनों की तीनों प्रजातियां बहुत ही ज्यादा जहरीली हैं, जिसमें फर्स्ट है कोस्टल टाइपन और सेकंड है इनलैंड टाइपन और इसके अलावा थर्ड है कोकोन टाइपन। ये स्नेक अपने लंबे और पतले शरीर के लिए जाने जाते हैं, जो कि टाइपन स्नेक की लंबाई 6.6 फीट से 8.2 फीट तक हो सकती है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर स्नेक नाइट के समय में एक्टिव होते हैं, लेकिन ये स्नेक दिन के समय में एक्टिव होता है और ये स्नेक अपना ज्यादातर शिकार दिन के समय में ही करता है। लेकिन अगर इस स्नेक के खाने की पूर्ति दिन में नहीं हो पाती है तो ये अपना शिकार नाइट के समय में भी कर सकता है। टाइपन ज्यादातर चूहों, पक्षियों और छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। इस स्नेक के अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है, जो कि इसके सिर्फ एक बाइट से ही बड़े से बड़े जानवर की भी डेथ हो सकती है। और इस स्नेक के अटैक करने का तरीका इतना एक्यूरेट होता है कि अगर ये स्नेक किसी पर अटैक करता है तो उस जानवर का टाइपन के चंगुल से बच पाना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होगा। नंबर 8 पर है डेथ एडर। गाइस, ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू गिनी के जंगलों में पाए जाने वाला सबसे जहरीला स्नेक है, जो कि ये अपनी हंटिंग टेक्निक के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये स्नेक अटैक करने से पहले अपनी ऐसी पोजीशन में बैठा होता है जिसे देखने पर आपको लगेगा भी नहीं कि ये स्नेक आपके ऊपर अटैक भी कर सकता है। लेकिन ऐसी शांत पोजीशन में ही ये डेथ एडर लाइट की स्पीड से अटैक करता है, और इसके अटैक से किसी जानवर का बच पाना तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इसके अटैक करने की स्पीड इतनी फास्ट होती है कि उस जानवर को पता ही नहीं चलेगा कि कब उसके ऊपर अटैक हो चुका है। ये डेथ एडर स्नेक दूसरे स्नेक्स की तरह ज्यादा लंबा नहीं होता है, लेकिन इसकी बॉडी दूसरे स्नेक्स के मुकाबले मोटी होती है और इसका मुंह ट्रायंगुलर शेप में होता है, और इसके अलावा इसकी पतली सी पूंछ होती है। इस स्नेक का जहर बहुत ही शक्तिशाली होता है, जो कि डेथ एडर के अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है, और इसके अलावा इस स्नेक के अंदर मायोटॉक्सिन नाम का जहर भी पाया जाता है। अगर ये स्नेक किसी इंसान को काट लेता है तो कुछ ही मिनट्स के बाद उस इंसान की इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और उसके मसल डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और इस स्नेक के काटने वाली जगह पर बहुत ही तेजी से दर्द भी होता है। नंबर 7 पर है रसल वाइपर। गाइस, ये स्नेक की बहुत ही जहरीली प्रजाति होती है, जो कि ये स्नेक हमारे इंडिया में भी पाया जाता है, और हमारे कंट्री के अलावा साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्रीज में भी ये स्नेक पाया जाता है। रसल वाइपर अपने शक्तिशाली होमोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिक वेनम के लिए जाना जाता है। रसल वाइपर स्नेक का जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इस स्नेक के काटने पर शरीर के टिश्यू डैमेज होने लगते हैं और ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और कई कंडीशंस में तो इस स्नेक के काटने पर न्यूरोटॉक्सिक वेनम जैसा प्रभाव भी हो सकता है। इस स्नेक की बॉडी दूसरे स्नेक्स के मुकाबले मोटी होती है, और रसल वाइपर स्नेक के शरीर पर डार्क ब्राउन कलर के अंडाकार छल्लों का एक पैटर्न
पैटर्न बना होता है, जो कि ये सारे पैटर्न्स एक ब्लैक सर्कल के अंदर होते हैं। यही इस स्नेक की सबसे खास पहचान होती है। नॉर्मली रसल वाइपर की लंबाई 4.5 फीट तक होती है, लेकिन कुछ जगहों पर रसल वाइपर की लंबाई 6 फीट तक देखी गई है। नंबर 6 पर है ब्लैक मांबा। गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने ब्लैक मांबा स्नेक का नाम तो जरूर सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये ब्लैक मांबा स्नेक कितना ज्यादा जहरीला होता है? ये ब्लैक मांबा स्नेक अफ्रीका का सबसे लंबा जहरीला स्नेक है। इस स्नेक के अंदर न्यूरोटॉक्सिक और कार्डोटॉक्सिक नाम का जहर पाया जाता है, जो कि ये वेनम इतना ज्यादा खतरनाक होता है जो आपके सीधा नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, और ये वेनम आपका हार्ट फेल भी कर सकता है। ऐसे स्नेक का नाम तो वैसे ब्लैक मांबा है, लेकिन इसकी बॉडी का कलर ब्लैक नहीं है, बल्कि इसके बॉडी का कलर ग्रे और डार्क ब्राउन होता है, लेकिन इसके मुंह के अंदर का कलर बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर होता है। इसीलिए इस स्नेक को ब्लैक मांबा के नाम से जाना जाता है। ये ब्लैक मांबा स्नेक किसी दूसरे स्नेक की तरह सिर्फ एक बार ही बाइट नहीं करता है, बल्कि बहुत ही तेज स्पीड से बार बार बाइट करता है, जिस वजह से इसके शिकार का बच पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये स्नेक रेंगने में इतना ज्यादा फुर्तीला होता है कि ये 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से रेंग सकता है। नंबर 5 पर है इनलैंड टाइपन। गाइस, ये स्नेक दुनिया का सबसे जहरीला स्नेक है। इस स्नेक के अंदर न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, जिसकी वजह से ये स्नेक इतना ज्यादा जहरीला हो जाता है कि इस स्नेक की सिर्फ एक बाइट से ही 2.5 लाख चूहे मर सकते हैं। अब आप इस बात का अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि इस स्नेक का जहर कितना ज्यादा जहरीला होगा, और इस स्नेक के सिर्फ एक बाइट के जहर से ही 100 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो सकती है। इतने इंसानों की डेथ के बाद तो एक छोटा सा गाँव ही उजड़ जाएगा। ये स्नेक भी ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इस स्नेक की एक सबसे खास बात यह है कि ये स्नेक अपने मौसम के हिसाब से अपना कलर भी चेंज करता रहता है। ये नॉर्मली गहरे भूरे रंग का होता है, लेकिन विंटर के सीजन में ये डार्क ब्राउनिश कलर और ग्रीनिश कलर का हो जाता है, और गर्मियों के समय में ये अधिक येलोइश कलर का हो जाता है। ये स्नेक जितना ज्यादा जहरीला है उतना ही शांत स्वभाव का भी है, क्योंकि ये स्नेक नॉर्मली खुद से किसी भी इंसान पर अटैक नहीं करता है जब तक कि पहले से इसको कोई ना छेड़े, और जब भी कोई इंसान इसे उकसाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले ये स्नेक हवा में उठकर कुछ इस तरीके से एस के आकार में खड़ा हो जाता है, और ये उस इंसान को वार्न करता है। लेकिन अगर कोई इसके ऊपर ही अटैक करता है तो ये अटैक करने से भी पीछे नहीं हटता है। इसके शांत स्वभाव की वजह से आज तक दुनिया भर में इस स्नेक के काटने की वजह से मरने वालों की संख्या ना के बराबर ही है। नंबर 4 पर है किंग कोबरा। गाइस, ये स्नेक दुनिया का सबसे लंबा जहरीला स्नेक है, जो कि ये स्नेक हमारे इंडिया के अलावा पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इसे किंग कोबरा स्नेक के काटने से ही आधे घंटे के अंदर ही किसी भी इंसान की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर साइटोटॉक्सिक नाम का पॉइजन पाया जाता है, जो कि ये वेनम इतना ज्यादा जहरीला होता है कि इसके काटने से ही आपके शरीर में गंभीर दर्द होने लगेगा और आपका शरीर उस जगह से सूजने लगेगा। इसके अलावा आपको चक्कर आने लगेंगे और आपके देखने की क्षमता भी धीरे धीरे धुंधली होती चली जाएगी, और इसके अलावा आपको सांस लेने में भी तकलीफ होगी। इसलिए ज्यादातर लोग किंग कोबरा स्नेक से दूर ही भागते हैं। ऐसे किंग कोबरा स्नेक की नॉर्मली लंबाई 18 फीट होती है, और इस किंग कोबरा स्नेक की एक सबसे खास बात ये है, आपने देखा होगा कि ज्यादातर स्नेक चिड़िया, मेंढक और इसके अलावा और भी जीवों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन ये किंग कोबरा स्नेक एक ऐसा स्नेक है जो कि दूसरे स्नेक को ही खाता है। और ऐसा नहीं है कि ये स्नेक सिर्फ उन्हीं स्नेकों को खाता है जो जहरीले नहीं होते हैं। किंग कोबरा स्नेक बिना जहर वाले सांपों को भी खाता है और जहरीले सांपों को भी खाता है। नंबर 3 पर है ब्लू कैरेट स्नेक। गाइस, ये स्नेक साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, जो कि अपना शिकार नाइट के समय में करता है। इस स्नेक का नाम ब्लू कैरेट स्नेक है, ये तो आप इसे देखते ही समझ गए होंगे, क्योंकि इस स्नेक के बॉडी पर ब्लू पैटर्न्स बने होते हैं। डे के समय में इसका कलर विजुअल होने की वजह से ये ज्यादातर अपना शिकार नाइट के समय में ही करता है, और नाइट के समय में ये स्नेक इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि ये स्नेक किसी पर भी कभी भी अटैक कर सकता है। इस स्नेक में न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, जो कि सीधा आपके नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। इसके काटने से मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और नॉर्मली इस स्नेक की लंबाई 3.3 फीट से लेकर 4.9 फीट तक होती है। नंबर 2 पर है डुबाई सी स्नेक। गाइस, ये पानी में रहने वाला एक ऐसा सी स्नेक है जो कि समुद्री जीवों में सबसे ज्यादा जहरीला होता है। ये जीव ज्यादातर भारतीय और प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में पाया जाता है। ये सी स्नेक सिर्फ समुद्री जीवों पर ही अटैक करता है। इसके अलावा अगर कोई इंसान इस सी स्नेक के पास भी चला जाता है तो भी ये स्नेक उस पर अटैक नहीं करता है, जब तक कि आप उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं सिर्फ तब तक ही। लेकिन अगर आप इसके साथ कुछ ऐसा करेंगे जिससे इस स्नेक को लगेगा कि
आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तब ये अपने सेल्फ डिफेंस में आपको काट भी सकता है। और इसका जहर इतना जहरीला होता है कि आपकी बॉडी तुरंत ही पैरालाइज होना शुरू कर देगी, तो उस समय आप शायद इसके जहर से मरे या ना मरे, लेकिन वहाँ पानी में डूबने की वजह से आपकी मृत्यु जरूर हो जाएगी। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर वन के बारे में, जिसमें नंबर वन पर है फिलिपिनी कोबरा। गाइस ये कोबरा स्नेक एक ऐसा कोबरा स्नेक है जिसे स्पिटिंग कोबरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अपना शिकार करने के लिए किसी को काटता नहीं है बल्कि अपने जहर को शिकार के ऊपर थूकता है। और इस स्पिटिंग कोबरा का निशाना इतना ज्यादा अचूक होता है कि ये अपने शिकार के आंखों पर ही अटैक करता है। नॉर्मली इस स्नेक की लेंथ 3.3 फीट से लेकर 5.2 फीट तक होती है और ये स्नेक 3 मीटर दूर से भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। वैसे गाइस आपने इन सभी वेनमस स्नेक में से कौन सा स्नेक अपनी आंखों से देखा है और आपने वो स्नेक कहां पर देखा, इसके पीछे की स्टोरी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।